प्रिय भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं अपने प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को लेकर आपके समक्ष आया हूं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण अन्य राज्यों के मुकाबले में नियंत्रित जरूर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में क्रमशः बढ़ोतरी हो रही है। यह सब अनलॉक के दौरान सावधानी और बचाव के उपाय नहीं अपनाने के कारण हुआ। हमें कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शहरों में लॉकडाउन का निर्णय लेना पड़ा। आप इस लॉकडाउन को गंभीरता से लें। लॉकडाउन से लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर लोग सुरक्षा और बचाव के लिए नियमों का पालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन की स्थिति से बचा नहीं जा सकता। यह समय मेरे लिए, आपके लिए चिंतित होने, बीमारी से सावधान रहने और बचाव के उपाय को गंभीरता से लेने का समय है। छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों का रिकवरी दर बेहतर है और मृत्यु दर काफ़ी कम है। हम देश के अनेक राज्यों से बेहतर कर रहे हैं। आपके सहयोग से कोरोना संक्रमण से बचाव की दिशा में और बेहतर करेंगे। फिलहाल राज्य में रोजाना 5,000 से अधिक सैंपलों की जांच हो रही है। शीघ्र ही इसे बढ़ाकर 10,000 तक करने का लक्ष्य है। हमारे राज्य में चिकित्सक पूरे समर्पण से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इलाज के बाद अब तक बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। राज्य के 8 क्षेत्रीय और 22 जिला स्तरीय अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के इलाज की व्यवस्था की गई है। सभी कोविड अस्पतालों में मास्क, पीपीई किट, ट्रिपल लेयर मास्क, VTM और जरूरी दवाइयों के पर्याप्त संख्या में इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। मैंने अधिकारियों को ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में भी निर्देशित किया है। मेरा आपसे आग्रह है कि सभी अनिवार्य रूप से मास्क पहनें, बार बार हाथ धोते रहें, लोगों से दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ करने से बचें। अगर हम यह सब करेंगे तो कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने में सफल होंगे। राज्य शासन, हमारे सारे विभाग, चिकित्सक, सफाई कर्मी, पुलिस आदि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और उपचार में लगे हैं, लेकिन अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, बचाव के उपायों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम मुश्किल होगी। मुझे जानकारी मिली है कि कुछ स्थानों पर लोग सैंपल लेने जा रहे स्वास्थ्य कर्मियों के दल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें जांच करने से रोक रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्थिति की गंभीरता को समझें। ये सब आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए किया गया है। हमें स्वास्थ्य कर्मियों का सहयोग करना है। ईद और रक्षाबंधन के पर्व समीप आ रहे हैं। आप सबको इन पर्वों की शुभकामनाएं। पर्व को मनाते समय यह ध्यान रखें कि हम केवल अपने घर परिवार के लोगों के साथ ही यह पर्व मनाएं। कोरोना से बचाव के लिए ऐसा करना बेहद ज़रूरी है। हमें अपने सामाजिक दायित्व का पालन करते हुए भीड़भाड़ करने से बचना होगा। मुझे पूरा विश्वास है हम सब स्थिति की गंभीरता को समझेंगे और कोरोना संक्रमण को रोकने में सहयोग देंगे। धन्यवाद।